जमशेदपुर में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सरायकेला जिला के चौका थाना क्षेत्र का है। यहां हाथियों ने उत्पात मचाते हुए कई घरों में तोड़फोड़ की। इसके साथ ही एक सरकारी विद्यालय में रखी मिड डे मील की सारी सामग्री भी बर्बाद कर दी। क्षेत्र से आया है और इसमें मूल रूप से जो क्षति हुई, एक दिन पुरानडीह में दो घर का क्षति है और हेसाडीह में एक स्कूल का क्षति का रिपोर्ट है। वन विभाग की टीम से ड्राइव करवाया जा रहा है और ड्राइव लगातार जारी है। और पहले ये लोग पुरानडीह तिनाई साइड में था, इधर से ड्राइव करते करते घघारी में था, घघारी से इधर आया, फिर ड्राइव करके इसको ऊपर पलना है सकुचा, विशेष ऐसा कुचा के आगे और घना जंगल में चले जाने का प्लान है। बता दें कि गर्मी के दिनों में आए दिन दलमा जंगल से जंगली जानवर गांव की ओर आ जाते हैं और जमकर उत्पात मचाते हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना रहता है। लेकिन इसके बावजूद विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।